हेलो जी, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का रविपाल ब्लॉग में। तो अभी मॉर्निंग टाइम है, हमने नाश्ता कर लिया है, पापा भी जा चुके हैं बट्टे पे और राघव को मिल गया है आज नया काम, क्योंकि हमारे घर में इधर जो लगी खोर वगैरह बननी थी सब चीज़ें टूटी हुई थी गाय की, तो कच्चा है जहाँ पे वहाँ पे पक्का कराएंगे, वॉश बेसन वगैरह लगवाएंगे। अभी पहले नहीं था देखो भाई, और जी यही सभी चीज़ें जो जहाँ पे काम रुका हुआ है वहीं पे पूरा कराएंगे, और जो हमारे मतलब कि घर की बराबर की दीवार है ना वो खिसक रही साइड में से उलट रही, तो उसे भी उखड़वा के दोबारा से सही कराएंगे। तो अभी काफ़ी सारा काम होना है, आज से शुरुआत हो गई है, क्योंकि पहले जो मिस्त्री था उससे ताऊ जी हल्के वहाँ पर लग रहा था। ताऊ जी के मकान अभी 15-20 दिन में लेंटर खुलेगा, तो उसके इतना तब तक हमारे घर काम कर देंगे, हो जाएगा हमारा 10-15 दिन का ही काम है, ज़्यादा नहीं है। और जी अभी राघव को काम दे दिया है, वो भी एक भैया आए हुए हैं उनके साथ काम करा रहा, मतलब कि तोड़ फोड़ का काम चल रहा। अभी तो चिराई का होने का नहीं, पहले तोड़े जाएंगे वे और फिर उसके बाद सही कर जाएंगे, क्योंकि खोर थी काफ़ी बड़ी गाय की तो उसे करवा रहे हैं, छोटी हल्की फुल्की सी फट भी रही थी, टूट रही थी यानी, तो उसे सही कराएंगे। अभी जो उनके नीचे इंटियों का घड़ौंचा था उसे भी सही कराएंगे, वहाँ पे डलवाएंगे आरसीसी। डलने के बाद पापा बोल रहे कि उसके बाद फिर गद्दे डाल देंगे गाय के नीचे तो सही हो जाएगा, क्योंकि भाई नहला भी दो अच्छी तरह और कीचड़ सा नहीं होता, क्योंकि जब गाय को नहलाते थे ना वहाँ पे तो कीचड़ हो जाता था बहुत ज़्यादा। तो चलिए गाइस, अभी बने रहिए हमारी वीडियो में एंड तक, कर लेते हैं अपना काम। लगा रही है इधर झाड़ू, सुबह सुबह इसका काम है झाड़ू लगाने का, और अन्निका उधर खेल रही है। अच्छा इधर को तो देखो अन्निका, आचल के पास जाके खड़ी होगी, सुन आचल के पास साथ झाड़ू लगवा दे, झाड़ू लगवा दे आचल के साथ, काम करवा दे, झाड़ू लगाओ चलो। हाँ झाड़ू तो लगाती नहीं, बिल्कुल काम नहीं करती, दोनों हाथों से। तो अभी चल दी है आंचल की हेल्प करने के लिए, ये लगवाएगी झाड़ू, ये है छोटा सा पूछना और जी पुराने वाला रखा हुआ है। इधर तो देखो, हेलो जी, राम राम बोलो, राम 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 करो सबको, करिए हाथ जोड़ के, मम्मी कल बाइक पर बैठते हो सर, मौसी हर के मासी राम राम करिए सबको हाथ जोड़ कर, देख इसने नन्नी जी नहलाएगी आपको, ठीक है सुंदर बन के कहाँ जाओ, स्कूल में जाना ना सुंदर बन के, चलो स्कूल में छोड़ करूँगी आपको, जाओगे ठीक है। गाइस अभी यहाँ पे चल रही है हमारे यहाँ पे चिड़ाई, और जी अभी भाई यहाँ पे लेविल बना रहा, लेविल देखते हैं कैसे बनाते हैं ये, कैसा होगा भाई लेविल। अच्छा जो पानी का बबल्स हो उससे पता लगे, अच्छा इतनी ऊंची बनाओगा खोड़ तो थोड़ी छोटी रह जाएगी फिर, या नहीं बड़ी बनाएंगे तो छोटी क्यों रहेगी। अच्छा हो रही है, हाँ आधी तोड़ दी गई है, जैसे बोला हमने ऐसे और गड़ंचा यहाँ से उखाड़ दिया गया है, अभी पहले इसकी रोड़ी बनाई जाएगी और फिर यहाँ पे आरसीसी होगी यानी फरस, और अभी उधर से भी लेवल देखेंगे, उधर का भी लेवल देखेंगे बबल कहाँ सी है। इधर का लेवल भी देखते हैं बबल कहाँ सी है, डाउन है इधर। अच्छा पर अच्छा अच्छा हाँ निचाई तो होगी इधर ही, डाल ऐसा बना दो जो नाली में जावे सारा खेत में जावे पानी। हाँ अच्छा वो बुलबुला सो है वो घूमे इसमें, अच्छा अच्छा मौसमी के पिंडे इन्हें तो उखाड़ेगा मम्मी, उधर लगा देंगे नहीं जड़ तो उखाड़वा देंगे, क्या इंच डाउन है इधर, 3 इंच डाउन है। अजी हाँ 3 इंच नीचा ही है, हाँ होगा नीचा, चेक कर रहा हूँ अपन, हाँ 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 चलो बढ़िया। लेवल देख मम्मा ने बड़े बना दिया ना लड्डू है, अन्नी का फिर आरसी से आसी ना भी तो करा करा, मेरे को समझ से मिलता है वीडियो बना लो तेरी थोड़ी सी।
पर भाई कितने दिनों बाद फोन आया। गुड़ गुड़ घर में गा गुड़ बनवाऊंगा जी आपके नाम का दूध दाद लंगा। और सुनाते गाइस अभी यहाँ पे काफी सारे रोड़े फूट चुके हैं और जितनी भी ईंटें पड़ी हुई है इन सभी के रोड़े बनेंगे, छोटी छोटी रोड़ियाँ बनेगी मतलब कि, और फिर यहाँ पे फर्श डाला जाएगा। पहले खोर होगी ठीक, क्योंकि खोर काफ़ी बड़ी थी पहले, तो मम्मी ने क्या पापा ने बोल रहे हम सभी कि भाई इतनी करा दो, छोटी छोटी खोर होगी ठीक होगी और इसकी गहराई करा देंगे, मतलब कि ज़्यादा ऊँची सी ना, जिससे कि घास ज़्यादा आ जाए और ज़्यादा दूर को इधर नहलाने का करवा देंगे, जैसे गाय नहला दी और जी भाई उधर जो ये पेड़ है बीच ये सब चीज़ें छोटे छोटे पेड़ खड़े ना ये भी उखाड़ देंगे, बैंगन वैंगन के पपीते के सिर्फ आड़ू का पेड़ रखेंगे। बेटा इधर आओ, पूरे जो चौक है ये इनमें सौ जहाँ पे कच्चा है सभी की जगह फ्रश होगा और ये दीवार तोड़ के दोबारा बनेगी। तो चलो जी जो भी होगा घर में वो भी दिखाया जाएगा आपको। लड्डू क्या कह रहे थे आप, कह रही मम्मा हमारी खोर तोड़ दी इन्होंने। सारा होगा सारा उखड़ा गयो और थोड़ी गहराई होगी, मिट्टी निकलेगी इसमें से और फिर इसमें फर्श डाला जाएगा। हाँ सारा उतरेगा, सारा करेंगे सही अच्छी तरह सारी खोर। हाँ फिर ये हो जाएगा कि मिले मिले से अच्छी तरह खा करेंगे, ज्यादा लंबी खोर हो रही थी और आगे जाने वाले टाइम पे तो फिर कमी। मम्मी कह रही कमी रखेंगे गाय जो भैंस होगी, एक भैंस रखेंगे बस। और जी मैंने लगाई हुई आज मेहंदी सर पे क्योंकि मेरे हो गए वाइट बाल काफ़ी सारे, तो हरी मेहंदी लगा रखी, वैसे तो लगाना कि कलर वाली हरी मेहंदी लगा। आ जाओ मेरे साथ आ जाओ, अच्छा उठा के से इधर भी उठा कर दिए, आ जाओ देख देख जानबूझ कर करा ना यहाँ। चलो बोले बोले मामा जी का फ़ोन आ रहा था ना, वो बोले का फ़ोन आ रहा, काफ़ी दिनों बाद फ़ोन आया, आज वीडियो कॉल हुई तो बस फिर कह रहा कि भाई मन भी कर रहा देखने को सभी को, कॉल पे तो होती रहा एक हफ्ते में एक बार करवा कर जा, लेकिन वीडियो कॉल तो काफ़ी दिनों बाद आई, किसी बड़े गुस्सा ध्यान के उनके फ़ोन से की। चल रहा है सिलाई का काम, तो ये देखो कत्तर वत्तर ऐसे ही पड़ी, मम्मी का सूट छंटा भी एक कटिंग करी और थोड़े से कपड़े वगैरह ये सब चीज़ें कपड़ा फैला के जब छंटा है कंची वंची खोड़ निकाले गिलास विलास कैसे फैला फैला रखे। तो अभी जो ये कपड़े थे सलवार चले सिल दिया है मेरा, तो वो भी पूरा हो चुका है। अभी जो मेरे मतलब कि मम्मी के हैं ना, मेरे मम्मी के कपड़े तो उन्हें सिलेंगे। गाइस अभी शाम का टाइम है और हम बना रहे हैं पनीर की सब्जी, तो यहाँ पे अभी हमने तेल में जीरा डाल दिया है और हरी मिर्च टमाटर का पेस्ट इधर बना रखा और अभी बनाएंगे पनीर की सब्जी छोम करिए। मटर हमने उबाल लिया है क्योंकि पैकेट वाले लेके आए थे ना पापा, तो अभी यहाँ पे अनिका के पापा आ चुके हैं उनके लिए कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि गर्मी हो रही इस टाइम पे तो ठंडा ही चाहिएगा, और नमकीन वगैरह एक गिलास और ले लूँगी। तो अभी सभी को दे के आ जाते हैं कोल्ड ड्रिंक। अभी यहाँ पे जीरा भुन चुका है, इसमें डाल देते हैं हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट। इसमें ऊपर से डाल लेंगे सूखे मसाले हैं, ऊपर से डाल लेते हैं हल्दी पाउडर और जी धनिया पाउडर और नमक, नमक डाल लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा डाल लेंगे क्योंकि कम खाते हैं मम्मी और यहाँ पे नमक। टमाटर ने हमने उसमें काट रखे जो वो इतनी मिर्च काटने वाला कटर, मटर भी डाल लेंगे, मटर उबाल रखे हमने। तो अभी इसमें डाल देते हैं चिली पाउडर, इससे ना बहुत अच्छा कलर आ जा रहा है सब्जी में। अभी ग्रेवी को पकने के लिए छोड़ देंगे, अभी ग्रेवी पक चुकी है इसमें डाल देते हैं मटर, मटर ज़्यादा डाल लेंगे थोड़े डाल लेंगे क्योंकि फिर पनीर में मटर मटर भी अच्छे से लगते नहीं, और इसमें ऊपर से डाल देंगे पानी, तो इसे भी पकने के लिए छोड़ देंगे पहले। थोड़े पतले से बनाएंगे आज पनीर की सब्जी क्योंकि अन्नी का कह रही चावल बनाओ, तो
उसके साथ चावल भी बनाएंगे। गाइस अभी यहाँ पे सब्जी पक चुकी है और इसमें अभी डाल देते हैं पनीर के पीसेज जो हमने काट रखे, और इसे भी चला देंगे। तो थोड़ी सी पतली सी ही बनाई है सब्जी, वो इसलिए क्योंकि चावल भी बना रहे ना। तो ऊपर से इसमें डाल देंगे हरा धनिया, हरा धनिया भी हमने काट रखा। तो अभी से पकने के लिए और छोड़ देंगे, थोड़ा सा कढ़ाएंगे पनीर डालने के बाद। तो ये डल चुका है इसमें हरा धनिया, चावल भी इधर बन चुके हैं कुकर में।